हाय फ्रेंड्स, मैं हम सूर्य हूं और आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजीज। आपसे मैं दो दिन से बात कर रहा था उन्नाव केस के बारे में और उस पर एक बहुत बड़ी उपलब्धि हुई है, यानी कि बहुत बड़ी चीज हुई है। आपको कल ही मैंने बताया था कि सीबीआई को केस ट्रांसफर हो चुका है और सीबीआई ने अब जो कुलदीप सिंह सेंगर है, जो बीजेपी के एमएलए है, जो मुख्यता जिन पर सबसे ज्यादा एक्यूजेशन लगा था कि हाँ यही आरोपी है, इस तरह से एक्यूजेशन लगा था, उन्हें सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया। जी हाँ, आज सुबह पांच बजे उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है उन्नाव केस के बारे में, यानी उन्नाव रेप केस के इशू पर, जहां पर जिस लड़की के साथ रेप हुआ था उसके पिताजी को भी खबरें आई थी कि मार के जेल में ही इतना मारा था कि हॉस्पिटल में उनकी मौत हो गई थी। तो ये केस बहुत ही सीरियस और पेचीदा हो गया था। कल मुझे किसी ने बोला कि यार सूर्या, तुम यार बॉलीवुड ही कर रहे हो तो बॉलीवुड में ही रहो, इसके बारे में बताने की क्या जरूरत है। फिर मेरा ये मकसद है कि आई थिंक जब कुछ चीजें आपके सामने हो रही हो, आपके देश और दुनिया में हो रही हो, और उसका वो बहुत ज्यादा आपको इम्पेक्ट करती हो, यानी कि आपको चोट पहुंचाती है, या फिर आपको चाहिए लगता है कि उसके बारे में बताना चाहिए, उसके बारे में ओपन होना चाहिए, तो क्यों ना ओपन होए। हमारे पास सबसे बड़ा पावर हमारे पास है सोशल मीडिया, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ये सब सोशल मीडिया है। हम अगर नहीं जागेंगे तो कौन जागेगा। हम ऐसी सदी में नहीं जी रहे कि हम अपना ओपिनियन एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। हम अपना ओपिनियन एक्सप्रेस कर सकते हैं किसी के भी खिलाफ या किसी के भी फेवर में, कभी भी। और ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। अगर आपको लगता होगा सिर्फ मैं ही इसके बारे में बात कर रहा हूं, जितने भी बॉलीवुड सेलिब्रिटी है, ज्यादातर के सोशल मीडिया आप देख लीजिए, जितने भी फिल्म क्रिटिक है, ज्यादातर के सोशल मीडिया देख लीजिए, आज हर कोई परेशान है, हर कोई उदास है, हर कोई अपसेट है कि ऐसा क्या हो गया, कि ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब इंडियन सोसाइटी में। और कल ही मैं एक ट्वीट पढ़ रहा था, आई थिंक संजय दत्त का, जी हाँ संजय दत्त का पढ़ा था ट्वीट। संजय दत्त ने कहा कि एज ए सोसाइटी वी फेल्ड, यानी कि हम एक सोसाइटी की तरह, जो एक सोसाइटी होनी चाहिए हमारी इंडियन सोसाइटी, वो फेल हो चुकी है। इस तरह की चीजें हो रही है। दो केस हुए हैं, एक कठुआ वाला रेप केस है, वो तो और जघन्य अपराध है, और एक ये। तो इस तरह की चीजों के ऊपर बात करना, अपनी ओपिनियन देना बहुत जरूरी है युवाओं को, हमारे देश के, और सभी को जानने की जरूरत है कि हमारे देश में अगर बुरा होता है, अच्छा होता है, हर चीजें समझने की जरूरत है। सिर्फ अच्छा होता है देश में, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन अगर जो बुरा होता है उसके बारे में आपको लगता है बताना चाहिए तो क्यों ना बताया जाए। और इसलिए मुझे लगा कि इसके बारे में बताना चाहिए, और ये इसलिए मैंने आपको बताया कि ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि आज हुई है। उम्मीद करते हैं हम कि जस्टिस जल्द से जल्द आए, क्योंकि कल भी जब इंटरव्यू देख रहा था उनकी बहन का, जिनके साथ रेप हुआ था, तो आंखों में आंसू आ गए। ऐसा लगता था दिल एकदम कोई निकाल के रख दिया है, मतलब आपके पास जान ही नहीं बची, तो वैसा कुछ फील आ रहा था। तो इसलिए आई थिंक ये बताना फर्ज बनता है, और आई होप आपको ये खबर जानकर साफ समझ में आ गया होगा कि जस्टिस मिलता है, वक्त जरूर लगता है, लेकिन हाँ जस्टिस मिलेगा। और इस केस में भी जस्टिस अब आई थिंक बहुत जल्दी मिलने वाला है, क्योंकि आखिर अरेस्ट कर लिए गए हैं जो मेन एक्यूज थे, और सीबीआई ने अरेस्ट कर लिया है। आपकी क्या राय जरूर बताएगा। चलिए फिलहाल इतना ही, बाय बाय।